दोस्तों एक लंबा इंतजार कराने के बाद फाइनली सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 2 आ चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीजन 2 का रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही आपको बताने वाले हैं कि सीजन में अच्छा क्या था और क्या था बुरा। तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों सिटी ऑफ ड्रीम्स एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहाँ पर भाई इसका सीजन 1 खत्म हुआ था। मतलब कि गायकवाड परिवार के जो लड़के हैं वो तो मर चुके हैं, परिवार बिखर चुका है और अब जो कैंडिडेट है वो उनकी बेटी है। स्टेट में इलेक्शन शुरू होने ही है, तो अब आगे दोस्तों क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। कुल एपिसोड है 10, जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की है। सिटी ऑफ ड्रीम्स के सीजन 2 को दोस्तों अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ ना तो इतना कहूंगा कि इसको लेकर मेरी फीलिंग्स कहीं ना कहीं मिक्स टाइप की है। चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सीरीज में अच्छा क्या था। तो दोस्तों सीजन 2 के अंदर जिस टाइप से कहानी को कंटिन्यू किया गया है, जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया गया है वो काफी अच्छा लगा। कहानी दोस्तों आगे प्रोग्रेस तो हुई है, साथ ही ये कहानी दोस्तों पास्ट के अंदर भी गई है। पास्ट की कई सारी चीजें ऐसी आपको यहाँ पर मालूम पड़ती है जो कि भाई आपको सीजन 1 के अंदर मालूम पड़ी नहीं थी। तो कुल मिला के इसका जो नरेशन किया गया है वो भाई कहीं ना कहीं नॉन लीनियर टाइप का था। मतलब कि कभी कहानी आपको पास्ट में जाती हुई देखने को मिलती है तो कभी कहानी सिंपल से आगे बढ़ती है। दोस्तों प्लॉट में आपको अच्छी खासी डेप्थनेस देखने को मिल जाती है, इसके साथ ही जो सीरीज के कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर भी डेप्थनेस काफी कमाल थी। यहाँ पर लगभग हर कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया, जिसको देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। अतुल कुलकर्णी और प्रिया बाबट वैसे भी भाई इस शो के मेन स्टार हैं, तो इनके कैरेक्टर में आपको डेप्थनेस भाई सीजन 1 के अंदर भी काफी अच्छी खासी देखने को मिली थी। लेकिन भाई यहाँ पर और भी कैरेक्टर हैं जिन्हें काफी अच्छे तरीके से शो किया गया, जैसे कि सचिन पिलगांवकर, उनका जो कैरेक्टर था वो काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। और सेकंड जो कि मेरे फेवरेट हैं वो है इजाज़ खान। इजाज़ खान का जो कैरेक्टर था उसे बहुत ही कमाल तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों सीरीज में आपको मैच्योरिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिलती है, साथ ही भाई जो भी पॉलिटिकल हथकंडे होते हैं या फिर जो एलिमेंट होते हैं पॉलिटिकल टाइप के, उन्हें काफी अच्छे तरीके से यहाँ बयां किया गया। कई सारे सोशल मुद्दे थे जिनके बारे में भी काफी अच्छे तरीके से डेप्थ से बात हुई है। दोस्तों बात करें एक्टिंग की तो वो भी हर किसी की काफी अच्छी थी, स्पेशली यार अतुल कुलकर्णी की। भाई साहब उनकी जो एक्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली ना, सच में भाई उसको देखकर एकदम दिल खुश हो गया, एकदम मजा आ गया। प्रिय बाबर की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी, उन्होंने काम अच्छा किया है। सचिन पिलगांवकर ने भी काफी अच्छा काम करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों अतुल जी के बाद जिसकी एक्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी वो थे इजाज़ खान। इजाज़ खान ने सच में भाई सीरीज में 4 चांद लगा दिए हैं। उनकी बॉडी प्रेजेंस, उनका हर एक फ्रेम एकदम सॉलिड था। एक पुलिस वाला जो कि अब पॉलिटिशियन बन रहे हैं, तो उस कैरेक्टर में आपको कहीं ना कहीं एक हिचक देखने को मिलती है और ये हिचक आपको इजाज़ खान के चेहरे पर डेफिनेटली हर बार देखने को मिल जाएगी। सुशांत सिंह भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और उनका काम जितना भी था उन्होंने अपने काम को अच्छे तरीके से किया। दोस्तों इस सीरीज को डायरेक्ट किया है नागेश कुकुनूर जी ने, तो भाई उनका जो टोन है वो यहाँ पर काफी डार्क, काफी इंटेंस आपको देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो पॉलिटिक्स देखने को मिलती है वो काफी हद तक रिलेटेबल थी। और अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर आपको बिना मतलब का प्रोपेगेंडा देखने को मिलता नहीं है। डायलॉग्स यहाँ पर आपको काफी अच्छे खासे सुनने को मिल जाएंगे, जिन पर डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर मीम्स बनेंगे। म्यूजिक और दोस्तों प्रोडक्शन वाली की बात करूँ तो वो भी काफी अच्छे थे, स्पेशली इसका जो OST है वो काफी लाजवाब था। VFX में यहाँ पर काफी अच्छा खेल ये किया गया है कि जो सीन्स थे VFX के उनको शो ही नहीं किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सीरीज में नेगेटिव क्या था। तो देखिए दोस्तों ये सीरीज काफी लंबी है और इस सीरीज के अंदर इवेंट्स बहुत नहीं है, बल्कि सीरीज के अंदर सीन्स को काफी लंबा खींचा गया है। तो ऑफ कोर्स ये सीरीज आपको कई जगह पे बोर करती है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस सीरीज में मल्टीपल एंगल देखने को मिलते हैं, इनमें से कुछ एंगल्स को काफी अच्छे तरीके से टाइप किया गया है तो कुछ एंगल कहीं ना कहीं खुले छोड़ दिए गए। दोस्तों वैसे ये सीरीज काफी डार्क, काफी इंटेंस है, लेकिन भाई एक सीरीज में जो पावर पंच आपको देखने को मिलना चाहिए वो पावर पंच यहाँ पर मिस था। दोस्तों सीरीज का लास्ट एपिसोड आपको कहीं ना कहीं शॉक करता है, लेकिन क्लाइमेक्स अप टू द मार्क नहीं था। ओवरऑल दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने इसके सीजन 1 को देखा है और पसंद किया है तो आप भाई इसका सीजन 2 भी डेफिनेटली देख सकते हो। मैं दूंगा सीजन 2 को 6.5 आउट ऑफ 10।